अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियो में। गाइस, एयरपोर्ट पे तीन सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। अगर आप लोग इन तीनों सवाल का जवाब सही सही दे देते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग इन तीनों सवाल का जवाब सही नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। अभी कौन से तीन सवाल है आप लोगों के आगे वीडियो में पता चलेगी। और भी मेरे भाई लोगों का कल की वीडियो पे बहुत सारा कमेंट है तो उसका रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो में। और कुछ लोगों का सवाल ये है बायोमेट्रिक के लेकर कि भाई मेरा टिकट हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैं इंडिया जा रहा हूं छुट्टी पे, तो हमारा तो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट नहीं मिला और हमने फिंगरप्रिंट नहीं दिया है, तो क्या हमें आने जाने में कोई दिक्कत होगी। तो गाइस, इस पे भी लेके बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों का ट्रेवल के लिए, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो कौन से ऐसे सवाल है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे और उसका जवाब ना देने पे आपको ट्रेवल पर जाने से रोक दिया जाएगा, आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला ये सवाल जो है आप लोगों को, ये गाइस जैसे यहां से कोई छुट्टी जा रहा है या आ रहा है, इन लोगों के लिए ये विजिट वीजा, लोगों के लिए जो विजिट वीजा पे आते हैं, चाहे कुवैत में आते हैं, चाहे सऊदी में भी आते हैं, चाहे दुबई जाते हैं, ठीक है, खास तौर से ज्यादातर दुबई में विजिट वीजा से जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग विजिट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं और वो जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी सऊदी में भी ये हो चुका है कि सऊदी में भी विजिट वीजा से आकर यहाँ पे सऊदी में फिर जो है दूसरी जगह वीजा लगवा सकते हैं, और दुबई का तो यही है। तो अगर आप दुबई जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो या कुवैत भी आप लोग विजिट पे आ रहे हो विजिट करने, तो आप लोगों को मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए कि विजिट वीजा वालों से इमिग्रेशन के टाइम पे तीन सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से पहला सवाल ये है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज से जा रहे हो। तो आप लोग कभी भी ये मत बताना कि मैं जॉब करने जा रहा हूं या जॉब सर्च करने जा रहा हूं, आप बोलना हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी विजिट वीजा पे चाहे दुबई जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो और वहां पे काम की नियत से जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पे बताना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये बताओगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपके पास कैश अमाउंट कितना है, ठीक है। तो आप अगर देखो 2000 दिरहम कुवैत दुबई का और सऊदी का भी 2000 से 3000 रियाल होना चाहिए, कुवैत का कम से कम 100 से 200 केडी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका इन तीनों कंट्री में कोई रहने वाला है और उसकी आईडी आप वहां पे शो कर देते हैं तो फिर आपको इस पैसे की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, ये चीज होता है। तो आपको यही चीज बतानी रहेगी, ठीक है, वहां पे। अगर आप इसमें गलती कर देंगे, बता देंगे मैं जॉब सर्च करने है, तो फिर आपको ट्रैवल रोक कर दिया जाएगा, आप नहीं जा सकते हो। तो जितने भी विजिट वीजा पे आने वाले ये सारी बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक के बारे में। गाइस, बायोमेट्रिक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि अगर आप लोग छुट्टी जा रहे हैं कुवैत से 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए छुट्टी जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग छुट्टी जाइएगा उसी दिन एयरपोर्ट पे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। अभी कल जो है कि मेरे यहां से एक बंदा गया है, उसका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे ही हो गया है। तो छुट्टी जाने वाले एकदम बिंदास हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अपॉइंटमेंट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप छुट्टी जाओगे एयरपोर्ट पे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है गाइस, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए गाइस, बढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट की तरफ, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट है, इन्होंने कहा भाई 2017 में वाइट पासपोर्ट बना के आया था, क्या दोबारा जा सकता हूं प्लीज, किसी को मालूम हो रिप्लाई करो प्लीज। इसका तो कोई अपडेट नहीं है भाई, आप 2017 में वाइट पासपोर्ट से गए से तो उसका अभी तक कुछ नहीं मालूम है, या हो सकता है 3 साल का जो बैंड रहता है वो तो वैसे ही ऑलरेडी आपका खत्म हो गया, 17-23 बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आप आ सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। मई 19 तक अकामा है भाई, अकामा कैंसिल करने का प्रोसेस बताओ। मई 19 तारीख का है तो आप, मैं तो कह रहा हूं कि आप 19 तारीख तक वेट कर लीजिए, आपका अकामा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप जा सकते हो फरवानिया में, फरवानिया जो रेसिडेंसी अफेरेंस है वहां पे जाके कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। एक भाई का कमेंट, क्या भाई आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? व्हाट्सएप नंबर के लिए आप इंस्टाग्राम पे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। राजेश कुमार, कोई नहीं बोलता है कि एक हफ्ता में 10 दिन में नहीं 3 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। 3 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं लोगों को एक हफ्ता इसलिए बोलता हूं कि अगर कुछ लेट हो गया 2-4 दिन तो ये लोग कमेंट बॉक्स में आके नहीं कहें कि भाई आप तो 3 दिन में बोले थे लेकिन एक हफ्ता हो गया मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। समझ में आई बात आपको? एक भाई का कमेंट है, भाई मैं लगेज में छुरी चक्कू लाइट और मसाले के पाउडर लेकर जा सकता हूं क्या प्लीज भाई बताना, क्योंकि सुन रहा हूं बहुत लोग एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। आप लगेज में ये सारी चीजें ले जा सकते हैं और जो लाइट ले जाएंगे उसकी बैटरी अगर होगी, बैटरी वाला अगर होगा तो उसकी बैटरी बाहर निकाल के अलग से उसको रख देना, ठीक है। लगेज में सारा सामान लेके जा सकते हैं आप। कमेंट का जवाब देना जरूर, दे दिया भाई आपका।
एक भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मेरा बायोमेट्रिक फिंगर नहीं हुआ है और मेरा 15 मई का टिकट है, क्या मैं छुट्टी जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, आप छुट्टी जाओ, आपको बायोमेट्रिक बुक करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, एयरपोर्ट पे ही आपका बायोमेट्रिक ले लिया जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट है, कफिल ने अनाज अनाज केस लगाया है, मैं इंडिया जा सकता हूँ क्या? भाई अनाज, क्या अनाज केस क्या होता है, मुझे तो नहीं समझ में आया, ठीक है। अनाज केस क्या होता है, आपने लिखा है, कौन सा केस है आप बताइए। अगर छोटा मोटा कोई केस होगा, मामूली सा होगा, तो मसला नहीं है, जा सकते हो, ठीक है। भाई मेरा नाम शाहरुख है, अगर मैं अकामा नहीं, कैंसिल नहीं कराया, तो क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? बहुत भाई, क्या जवाब वाल मोहर लगा, जवाजात वाला मोहर नहीं लगाएगा, बहुत बताओ भाई प्लीज। आपका अगर इकामा कैंसिल का मतलब, अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है, तो आपको इकामा कैंसिल करवाना पड़ेगा, नहीं तो जवाजात वाले मोहर नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर है, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप नहीं कैंसिल कराएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, मोहर लग जाएगा और चले जाओगे। भाई मेरा व्हाइट पासपोर्ट बन गया है, तो मैं इकामा कैंसिल करा दूं तो जवाजात में स्टंप हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जवाजात में जाके आप अपना इकामा कैंसिल करवा के अगर जवाजात जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। भाई मेरा वाइट पासपोर्ट बन गया है, जवाजात गया तो बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट पुराना, जमा नहीं किया। पुराना पासपोर्ट कौन सा आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा वाइट पासपोर्ट बन गया है, लेकिन मेरा इकामा एक्सपायर होने में और 4 महीने बाकी हैं। एम्बेसी वाले ने बोला था कि जवाजात जाने के लिए जवाजात से स्टम्प करवाना होगा वाइट पासपोर्ट में, लेकिन मेरा इकामा एक्सपायर नहीं हुआ, 4 महीना बाकी है, क्या करूं भाई? कोई बोलता है कि इकामा कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि कोई बोलता है जरूरत नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इकामा कैंसिल नहीं किया तो वाइट पासपोर्ट पे स्टम्प नहीं होगा। देखो, इकामा कैंसिल करवाना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। अगर आपके इकामा में डेट है, आपका इकामा चालू हालत में है, तो आपको अपना इकामा कैंसिल करवा के फिर जवाजात जाना पड़ेगा, नहीं तो जवाजात से वापस आना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है। फरवानिया में किस जगह अकामा कैंसिल होगा? फरवानिया में आप गूगल में सर्च करेंगे, टैक्सी वाले से जब आप जाएंगे, तो टैक्सी वाले से बोलेंगे मुझे फरवानिया रेसिडेंसी ऑफ रेजिडेंस में जाना है, ठीक है। वो आप लोगों को लेकर वहां पे छोड़ देगा, या आप सीधे लैंग्वेज में उसको बोल देंगे टैक्सी वाले को कि मुझे जहां पे इकामा कैंसिल वैंसल होता है वहां पे जाना है, वो लेकर छोड़ देगा, ठीक है। भाई मेरा कफील को कुछ दिन बताते नहीं है, क्योंकि मुदीर का भाई भी पैसा लिया है। मैं ओफरा में रहता हूँ, सुरता ऑफिस किस जगह पर जाऊं? ओफरा में रहते हो तो ओफरा में भी सुरता ऑफिस है, वहां पे आप चले जाओ, ठीक है। भाई मेरा व्हाइट पासपोर्ट भी बन गया, स्टंप नहीं लगा के दिया, बोला कि तुम जा सकते हो, मैंने टिकट ले ली और एयरपोर्ट चला गया, वहां से मुझे वापस भेज दिया गया कि तुम नहीं जा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है भाई, प्लीज रिप्लाई। भाई आपको वापस क्यों भेजा, मुझे नहीं समझ में आया। आपने सद्दाम हुसैन, आप जब गए थे वहां पे, तो आपको स्टंप नहीं लगाया था, तो क्या बोला था? कुछ बोला था आप लोगों को? ये बोला था कि तुम्हारा ऑनलाइन हो गया है, तुम जाओ, क्या बोला था, ठीक है। और जब एयरपोर्ट से आपको वापस भेजा है, तुम नहीं जा सकते हो, तो कुछ वो भी तो बोले होंगे आपको, क्या बताए होंगे? और अकामा आप लोगों का वैलिड होगा तो भी आप लोगों को दिक्कत होगा, आपको अकामा कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं कुवैत में हाउस ड्राइवर का काम करता हूं और मुझे बहुत परेशानी को रहा है, मेरा 6 मंथ हो गया था, मैं जा सकता हूं और इकामा कैंसिल करने पड़ेगा क्या? भाई आपको 6 मंथ हो गया है, आप कहाँ हो अभी? अपने कफील के घर पे काम कर रहे हो, जो भी है आप बताइए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। मुबारक अल कबीर कहाँ पर है? मुबारक अल कबीर भाई आप किससे जाओगे, अपनी गाड़ी से जाओगे तो लोकेशन टाइप करो, आपको मुबारक अल कबीर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे नहीं मिल रहा है, तो आप टैक्सी वाले पे बैठो, उसको बोलो मुबारक अल कबीर जाना, वो आप लोग को छोड़ देगा ले आके, ठीक है। ये छूट होने के बाद फॉर्म बाहर से बाहर भाग के जा सकते हो क्या? मैं भाई, आप कमेंट लिखने से पहले एक बार अपना कमेंट जरूर चेक किया कीजिए कि हम सही लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। मेरा 1 साल, मैं नेपाल आ गया, अब मैं कुवैत जा सकता हूँ? ये भैया आप नेपाल गए थे, किस हाल में गए थे 1 साल पहले?
छूट में छुट्टी गए थे या क्या गए थे आप बताइए, पहले पूरी डिटेल बता कीजिए भाई। फरवानिया किस जगह जाके कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए कफील को बुलाएगा, कैंसिल करने के लिए कफील को नहीं बुलाएगा, फरवानिया रेसिडेंसी अफेरियंस है, वहीं पे जाके आपका इकामा कैंसिल होगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है तो टैक्सी पे बैठिए, टैक्सी वाले को बोलिए वो लेके आपको वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। और वहां पे इकामा कैंसिल करने के लिए कफील की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है भाई। व्हाइट पासपोर्ट बनने में कितना केडी लगता है? व्हाइट पासपोर्ट बनने में 7 से 8 केडी, और अगर मैक्सिमम मांग के चलो तो 10 केडी के अंदर आपका जो है कि 10 केडी के अंदर आपका व्हाइट पासपोर्ट बन जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो यही थी, आज की डिटेल्स जो मैंने आप लोगों को बताई है, बायोमेट्रिक के बारे में बताया, जो मैंने विजिट वीजा के बारे में बताया। बहुत सारे ऐसे विजिट वीजा वाले हैं जो कि एयरपोर्ट से वापस जा चुके हैं, ठीक है, उनसे ये सारे सवाल पूछे गए हैं तो वो सही आंसर ना देने की वजह से उनको एयरपोर्ट से वापस किया गया और उनका टिकट विकट सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है गाइस। तो आप लोग जितने भी विजिट वीजा पे अगर विजिट करने वाले हो तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो मैंने आप लोगों को जो डिटेल्स दी है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।